भाई मजार कितना दूर है? काफ़ी ऊंची सी फसील सी बनी हुई है और छोटा सा बाजार है और यहाँ पे काफ़ी कब्रें बनी हुई हैं। इनके मज़ार पे यार किस तरह ये आप जहाँ आए हुए हैं हज़रत जलालुद्दीन खुश बुखारी रहमतुल्लाह का मज़ार है। अच्छा, ये हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की नस्ल से जितने भी नकवी अल बुखारी ख़ानदान है ये बुखारी ख़ानदान का है। सही। पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी नकवी अल बुखारी सैयद है इधर से सिदरा जाएगा और इधर से लड़ी उसकी मिलेगी तो वो सैयद है वरना सैयद नहीं। सही। ये बुखारी ख़ानदान का हेड है और ये वो मस्जिद है जो जब मस्जिद ये तमीर हुई थी ना इनमें से एक सिलर ये कम हो गया ये वाला। हाँ, तारीख लिखती है। अच्छा, और एक पिलर कम हो गया था। शाम को मिस्त्री गए जब सुबह तो आई 18 के 18 पिलर पूरे। शाम को मिस्त्री चले गए जब सुबह आए तो 18 पिलर यहाँ पे खुद बहुत आ गए थे। हाँ, एक पिलर अर्श मौला से उतरा था। ये पता नहीं है कौन से इधर जितने भी जहरीन आते हैं ना। अच्छा अच्छा, सबको हाथ लगा। अच्छा 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 अच्छा, यानी कि उस एक की नस्बत से सबको लगा, सबको हाथ लगा। और ये हुजरे हैं जिनसे लाल शबाब के अंदर 7 शेख वाले। अच्छा अच्छा, इधर बैठ के इबादत की है। इधर 12 साल मटियां भरी हैं सभी लाल शबाब के अंदर। 12 साल। सही सही सही। और आप 7 लाल शबाब के अंदर के मज़ार पे जाएं तो दाएं हाथ पे सरकार का मज़ार है हज़रत सैयद सैद अली मस्त का। सैद अली मस्त वो हज़रत जलालुद्दीन खुश बुखारी के पोते हैं। वो उनके पोते हैं। हाँ, तो आप सरकार ने कहा था आगे आगे सैद अली पीछे पीछे मस्त सौदा दस्त बदर। जी जी जी, एक सेकंड। हाँ जी, हाँ जी। और ये हज़रत लाल शबाब के अंदर का है ये जहाँ पे वो करते थे इबादत करते थे। और ये जो हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी। अच्छा 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 अच्छा, ये बहाउद्दीन ज़करिया के ये शागिर्द भी रह चुके हैं ना। हाँ, ये उन्होंने बैठ के इबादत की थी। अच्छा, बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी ये उनका हुजरा है। ये 850 साल पुरानी लकीर है। अच्छा, दियार। और गर्मियों में ये बहुत ठंडा हो जाता है। अच्छा, सर्दियों में गर्म। अच्छा, कुदरती। हाँ, दे आप देख लोगे अंदर ठंडा, अंदर महसूस ठंडा। सुभान अल्लाह, क्या बात है। सही सही सही। ये हजरत बाबा फरीदगंज शक्कर का ये चलेगा। हजरत बाबा फरीदगंज शक्कर लाहौर कसूर वाला। हाँ, अच्छा अच्छा। और ये हजरत जलालुद्दीन खुश बुखारी जहाँ आए हुए ये उनकी चिलेगा। इनकी चिलेगा। अच्छा, ये वक्त ब वक्त आते रहे या इकट्ठे होते नहीं, ये थे? एक वक्त के चारों बुजुर्ग हैं। एक ही वक्त के, एक ही टाइम के। अच्छा, और उच शरीफ में इन्होंने दीन को फैलाया। अच्छा अच्छा। उच शरीफ का पहले नाम था देवगढ़ जिसके नाम से हमारा उशीफ मशहूर था। उसका नाम था ऊंचा रान। अच्छा अच्छा। उसके नाम से हमारा उशीफ मशहूर। अच्छा अच्छा। और आप जब जलालुद्दीन खुश बुखारी आप बुखारा शरीफ से जब तशरीफ लाए उच शरीफ में तो अपने खुलफा को भेजा जो कुएं से पानी भर के लाओ। कुएं से? हाँ, नीचे कुआं है। अच्छा। वो बगैर बैलों के और उल्टा चलता था और पानी से आवाज आती थी राम राम राम। अच्छा। ऊंचा रानी के नाम से हमारा उशीफ मशहूर था जो हिंदू थी। अच्छा ठीक। तो जब आप सरकार ने भेजा खुलफा को जो पानी भर के लाओ, पानी भर के लाए तो आप सरकार ने नमाज के वजू का टाइम हुआ तो नमाज का वजू करने शुरू हो। अच्छा, तो पानी से आवाज आई राम राम राम। अच्छा अच्छा, अच्छा। जो पानी का तरीके थे जो पानी का बुक था वो उन्होंने नीचे फेंक दिया। वो मकदरी कुएं के पास पहुंचे, उधर से आप सरकार ने फीकी उठाई और उसके अंदर डाल दी। आप सरकार ने कहा उल्ट के जाए सीधा चलो कर्मा पढ़ ला इला इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलल्लाह। वो उल्टा चलते चलते सीधा ही चलने लगे। अच्छा, जो उधर उच्चारानी का नौकर खड़ा था बीबी वो उच्चारानी के पास पहुंच गया। अच्छा। कहता है बीबी बीबी जो हमारा कुआ है मुसला हो गया यानी कि मुसलमान हो गया। उसने एक लश्कर भेजा है 1000 बंदे। अच्छा, वो जैसे ही आप सरकार को आप बहुत सुर्ख थे इनका नाम है असद जलालुद्दीन हुसैन। हुसैन जलालुद्दीन हुसैन। अच्छा, आप बहुत लाल जलाल थे यानी कि सुर्ख थे। अच्छा, जैसे ही आप सरकार को उनको देखा वो मुसलमान हो गए। अच्छा, उन्हें 3 लश्कर भेजे तीनों जैसे आप सरकार को देखा मुसलमान मुसलमान हो जाते थे।
तो उधर वो उसने बैठ के उचारानी थी, उसने बैठ के उधर हिंदू थी, उसने बैठ के उधर सोचा, उसने बोला जो मेरा जादू और इल्म तोड़ सकता कोई आम हस्ती नहीं है, बहुत बड़ी हस्ती है, मुझे खुद जाना पड़ेगा। सही सही। वो सरकारों के पास आगे कहाँ से आए आप? सरकार ने कहा मैं बुखारा से आया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे नाना पाक है, उन्होंने भेजा था इस्लाम का झंडा गाड़ने के लिए। अच्छा 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 अच्छा। और ये तो सब उसने बोला मैं आपको सैयद नहीं मानती। तो आप सरकार ने बोला मेरी माँ भी सैयद आदि है, मेरा वाले साहब भी सैयद आदि। उसने बोला मैं आग जलाती हूँ, आग में नमाज पढ़ सकें, आपको मैं सैयद मानूंगी। आप सरकार ने 10 दिन उसने आग जलाई और 10 दिन की जगह उन्होंने 12 दिन उसके आग के अंदर नमाज पढ़ी। जब बाहर निकले तो सुर्ख हो गए थे, अंगारे थे वो फूल बन गए थे। इस बात से इनका नाम रखा गया हजरत जलालुद्दीन सुर्ख पोश बुखारी। और इनकी तालीम वगैरह का सिलसिला कहाँ से? तालीम कैसे? तालीम मतलब ये बुखारा शरीफ से? हाँ, आप बुखारा शरीफ से। आपका खानदान यानी के दादा परदादा वाले सब उधर बुखारा में? उधर बुखारा। और इस्लामी यूनिवर्सिटी भी पहले इधर। अच्छा। इधर से लोग इस्लाम कबूल करके जाते थे ऊपर। सही 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 सही। इनके तो पैरोकार पूरे उशरीफ में मतलब काफी। उशरीफ को नैब मदीना कहा जाता है। अच्छा। सवा लाख मजार है। सवा लाख मजार। ये जितने भी सिलसिले हैं गिलानी खानदान हो गए। अच्छा। तो गिलानी खान जितने भी होंगे उनके गिलानी बड़ों का मजार इधर ही है। हजरत महबूब सुबानी कौन से बंदगी। अच्छा 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 अच्छा। और आप चांगदेव चले जाओ फिर फैसा साल यार पिछले वजीर भी जा चुके हैं, वो भी यहाँ दी औलाद। जितना भी नकबी अल बुखारी खानदान होगा वो सब और गिलानी नहीं। हाँ। बुखारी बुखारी गिलानी खानदान है, उनका मजार आगे है हजरत महबूब सुबानी। हाँ उधर होके आए हैं अभी वो शहर में। अच्छा अच्छा अच्छा। वो बगदाद से। अच्छा। और ये सरकारों का मिंबर है हजरत जलालुद्दीन सब कुछ बुखारी रहमतुल्लाह का। अच्छा जी। 550 साल हो गए उसको। अच्छा। लकड़ी से यहाँ पे वो खिताब किया करते थे। हाँ, तालीमात। हाँ, और वो वाला भाई अंदर वाला दिखाएंगे आप वो अंदर। हाँ, वाला यहाँ पे लोगों ने डोरे भी बांधे हुए हैं। हाँ, ये मन्नत के लिए होते हैं भाई, बच्चा औलाद के लिए। और मालिक तो बेनियाज है, बेशक रहीम है, बेशक। उसके सिवाय कहने के बगैर तो पता नहीं चल सकता। और ये दरख्त वगैरह वो ये उसी वक्त के उस इधर पहले खुई थी। अच्छा अच्छा। ये फिर खुई के ऊपर ही ना दरख्त हो गया। अच्छा। वो ये भाई जान सीधा समझते ना कि टिब्बे के ऊपर मजार है। ये 3 मरतबा गर्क हुआ है, 3 मरतबा आबाद हुआ है। उछरी पूरा इसको नैब मदीना कहा जाता है। इधर 1.25 लाख मजार है, 1.25 लाख। ये बहुत बड़ी हस्ती का दरबार है हजरत जलालुद्दीन। अच्छा भैया, आप वो जो बता रहे थे पानी वाला, वो पानी वाला सिलसिला कहाँ पे होगा? वो जो आप बता रहे थे वो जो वहाँ राम राम जो करती थी वो सरकारों उसको उस कुएं का नाम रखा था जलाल सर, जो ऊंचा रानी थी इनके पाँव में गिर गई मेरे साथ शादी करो। अच्छा। तो आप सरकार ने कहा नहीं तेरे साथ शादी नहीं करूँगा और तुम्हारा नाम है बीबी गुलाम फातिमा, यानी कि बीबी गुलाम फातिमा नहीं गुलाम। जो भी जहरीन आएगा तेरी मजार पर सज्जा सलाम करेगा और मेरी दरबार पर आएगा और वापसी तेरी मजार पर जो भी मांगेगा अल्लाह पाक से कबूल। अच्छा, पहले उनका मजार है? हाँ, उनका मजार है मुस्ता में। अच्छा, ये वाला दिखा दें फिर उधर चलते हैं। अच्छा, ये उनका है वो जिसके नाम से मशहूर था। बिल्कुल बिल्कुल। पहले मेन गेट ये था, ये कुछ भी नहीं था, ये सीढ़ियां वीढ़ियां भी नहीं थी। अच्छा, तो जो भी धरिंदर से आता था पहले इसका सलाम करते यहीं से। अच्छा, ये इनकी जी जी। इसके नाम से हमारा उशीस मशहूर है, इसका नाम है उचारानी। उचारानी ये हिंदू और कराड़ी की सरकार ने इसको मुसलमान। अच्छा, वो जो इनका पानी वाला कुआं वो भी चलता है? अभी भी चलता नहीं है, मगर उसमें पानी है। पानी है अभी भी? बंद कर दिया, चलता नहीं। अच्छा, ये इसके नाम से हमारा उशीस मशहूर। पहले यहाँ पे हाजिरी देना आते हैं। सही सही सही। और ये पीछे को क्या है? ये पीछे बैक साइड पे हजरत बीबी जवंदी का मजार है। बीबी जो इनकी पोती है, जो बैक साइड पे टूटा हुआ मजार है। अच्छा अच्छा अच्छा। हजरत जलालुद्दीन बाहर की पोती है, वो नीचे उतर के ऊपर जाना पड़ेगा। ये जरा इसके बारे में बता दें। ये इनका मजार जलालुद्दीन सब कुछ दिखाएगा। अच्छा, मेरे बेटे का नाम मोहम्मद गौस। मोहम्मद गौस। मोहम्मद गौस की औलाद में शाह जीवना झांग चनियोत डेरा इस्माइल खान। अच्छा। ये जितने भी सादात बैठी हुई सब सरकार के बने। ठीक है। हजरत मोहम्मद गौस के आप सरकार के बड़े बेटे। और ये आप सरकार के दूसरे बेटे जी जी हजरत सैयद सुल्तान सैदी अहमद कबीर।
आगे हजरत मखदूम जहानिया जहाँ गश्त जहाँ आज मौला अली सरकार कदम का है, ये उनके वाले साहब। अच्छा अच्छा, आप सरकार ने मखदूम जहानिया जहाँ गश्त में 36 हज पैदा किए, 36 हज सरकार के पोते जी, ये दादा है सरकार के। मजार शरीफ के अंदर ये आप सरकार की पोती है हजरत बीबी जवंदी। अच्छा, जितने भी बीबियाँ खानदान हैं उस शरीफ में उनका अंदर मजार यानी कि चौदीवारी के अंदर शिफ्ट किया हुआ है। अच्छा अच्छा, जो जो पहले बहुत ज़्यादा पेटियों में दफन करते थे वो पेटियाँ उठा के मजार शरीफ के अंदर शिफ्ट कर दें, जो उनके खानदान खान हाँ बीबी खान, ये बाकी आप सरकार की औलाद है उस शरीफ में। अच्छा अच्छा, ये सब इधर की जगह रहने वाले। अच्छा, जो टूटे हुए मजार हैं वो किन के? वो सरकार की पोती है, आज मुझे आप बताऊँगा उधर ही चल के, मगर आप सरकार का इजार कर। ये आप सरकार के बड़े बेटे हैं, इनके छोटे ये छोटे बेटे साहबजादे हैं। सही मतलब दिलाओ में सब कुछ बुखारी रहमत। सही सही, और ये थी दिए जलाने के लिए, दिए जलाने के लिए। सही सही, ये हैं सारे इधर के जो मोहल्ले वाले हैं ना रियाशे हैं इधर के, उनकी कब्र है। हाँ। जो ये है बीबी जवंदी, आप इधर से हो क्या रहे ना जवाब दिन सौर कुछ बुखारी से। हाँ जी, ये उनकी पोती है बीबी जवंदी रहमतुल्लाह, और ये हैं बहाउल अलीम सरकार, इनके वाला साहब है और सरकार के बेटे हैं। जो ये मजार है नूरिया शाह चौथी बार कुरान का बुखारी से था ये, और जिनियर था ये दोनों तमीर इसने करवाया था। जब दरसलाब आया तो 1817 में दरियाए हक रहा उनका आदत मजार ले गया था, जो जो ठहरा है ना ये भी उठा रहा था। सरकार की पोच जो थी ना सरकार ने हकल मारी है दरिया और मजार नहीं चाहना, और दरिया उतर रोक गया सर, इतने सर दरिया में दस सरकार पहले, और हड पान नाम दरिया उसका नाम था, उसका पांच दरिया इधर थे दरिया हक रहा, आपको उसका नाम निशान भी नहीं रह गया, वो आप हिंजा के हदूद में रहते हैं। अच्छा, सरकार इधर मच्छर तरफ रहते, सरकार ने फिर दरिया चला गया था, सरकार ने फिर बुलाया, सरकार ने कहा ये अपना तोहफा ले जा, और सरकार आके फिर अपना तोहफा ले गया। तोहफा क्या था? मतलब इधर मच्छर तरफ रहे थे, इधर लोग मच्छा तरफ रहे थे। अच्छा, मच्छर थे यहाँ पे। अच्छा, सरकार एक कराची की लड़की है या सिंह चीमा लड़की, ये जो दीवार है ना ये पहले दीवार नहीं थी, ये जंगला लगा हुआ गया, ये दीवार भी उसी ने दिया है। यासिन किसने गिराई? गिराई नहीं सर, सैलाब से गिरी, सैलाब से गिरी, और दीवार ये नहीं थी। अच्छा, एक कराची की लड़की है यासिन चीमा लड़की, उसी ने दिया है दीवार, अब इसका काम हो रहा था। तो भाई जान ये आधा क्यों तमीर हुआ हुआ है, ये आधा क्यों नहीं गिर गया? आधा आपको बताया तो सर स्लैब आया था 1800। अच्छा, उसके बाद से अब तक कैसे नहीं बना? वैसे अब वो बना रहे हैं, वैसे तो इसका काम हो रहा है सर, महकमे औकाफ का बीमा करवा रही है। अच्छा अच्छा, और ये पहले चिकनी मिट्टी और माश की दाल से बनाया था। आप चिकनी मिट्टी और माश की दाल? अच्छा अच्छा, ये उससे बना हुआ है? हाँ जी हाँ जी, आप सुर्खी और चूने से बना रहे हैं इसको, ये जितने भी काम है ना ये सब बना, सब नया काम। हाँ जी, सीढ़ियों पे जाते हैं, सब नया काम। जो आप पुराना काम देखेंगे ना आपका दिल भी खुश हो जाएगा। तो भाईजान वो कब्र कहाँ है यहाँ पे? जो इसका मजार है ना सर। हाँ। इसका मजार कोई कहता है दरिया ले गया है। हाँ। कोई कहता है इधर से उठा के ना बड़े दरबार में शिफ्ट कर दिया, कोई पक्का नहीं पता। हाँ जी, ये पक्का पता नहीं है। सही सही सही, और इधर दरिया बहता था सर पहले, पूरा दरिया यहाँ पे इधर रहता था, और इधर से अब 15 किलोमीटर दूर हो गया है। ये जिधर ठहरे ना ये भी नया काम है सर। अच्छा, ये कितना ये क्या कहते हैं हजरत अली का भी यहाँ पे वो जो है सरकार, वो खत्म हो रहा है मौला अली, वो कितना दूर है यहाँ से? वो 7 है 5 किलोमीटर सर, ज्यादा नहीं। बाइक पे गाड़ी पे जाएं तो उधर से गाड़ी का रास्ता भी है पैदल। अच्छा अच्छा अच्छा, अब से कर गए सर सदरुद्दीन के मजार पे, पुल के ऊपर मजार है जो उनके बड़े भाई हैं सदरुद्दीन सर का। अच्छा भाई, ये बेटा इनकी जो सारों की ये कब्र मुबारक है, ये सब तीनों की सरकार, जो जितने भी मजार है ना ये इधर तीनों मजार के ना इधर से उठा के ना बड़े दरबार में शिफ्ट कर दिया, उधर शिफ्ट किया। आप जो अंदर गए ना जो चौ दीवारें मिले बिल्कुल उसके अंदर मजार है, उसके अंदर। सही सही सही, और ये कौन सा गांव है बेटा? ये उस शरीफ मोहल्ला बुखारी, मोहल्ला बुखारी। और उर्स कब होता है इनका? उर्स 17-18 जमादे अव्वल सर, जमादे अव्वल। और ये सब ऊपर वाला नया काम है, नीचे है उसकी जब ऊंचाई होगी। वो मैं आपको बताता हूँ, इनके पोते हैं जलालुद्दीन सौर कुछ बुखारी के मखदूम जहानिया जहां गश्त, और जहां गश्त का मतलब सरकार ने 36 हज पैदल किए हैं जिन्हें सैर पर पूरे जहान की सैर किया सरकार ने। सरकार जब मदीना शहर में पहुंचे तो सरकार को दो कदम मुबारक मौला अली मुश्किल कुशा के मिले थे, और इमाम हुसैन का लूटा सामान मिला था। जब सरकार दिल्ली पहुंचे जैसे हम ठहरते ना जैसे आप ठहरे, सरकार भी ऐसे ठहरे थे जैसे कचरा वगैरह पड़ता है, उनसे एक सांप रोका, सरकार ने उस सांप का हंटर बैठा रखा, मैं था एक दीवार मुझे उस शरीफ में दीवार लगा दी। सरकार जब मदीना शहर में सरकार हैदराबाद में पहुंचे
तो सरकार से खबा कदम का गिर गया, सरकार खबा कदम का उधर है, जो सजा कदम का वो इधर भी है, सरकार दीवार भी है, ये पत्थर है क्या? हाँ जी पत्थर है सरकार, और दीवार भी है और कदम का भी है। मौलाना मुश्ताक शाह का ऊपर सांप का निशान जो तबरों का आते हैं ना, इमाम हुसैन का लोटा समान, वो तीस रजब को दिखाते हैं सर। अब तो रजब का महीना गुजर गया था, तीस रजब को दिखाते हैं जो कदम का है ना सर, वो पहले नीचे था, मेरा हाथ नहीं जाता था। कैसे कैसे नीचे? मतलब नीचे जमीन नहीं, जैसे पत्थर होता है इतना पत्थर था, वो भी इतना है। पत्थर के अंदर निशान, निशान, निशान सरकार का। और सरकार जब मेरा हाथ नहीं जाता था, बस इतना बचा हुआ, जब बराबर हो जाएगा। कैसे कैसे ऊपर आ रहा है? खुद ही ऊपर आ रहा है, खुद ही ऊपर। नहीं मतलब उसमें मिट्टी जमा होती जा रही है? नहीं नहीं, वो पत्थर का है ना सर, जितने होले होले ऊपर आ रहा है, होले होले आप आप जब छोटे थे तब आपका हाथ नहीं जाता था? मेरा नीचे हाथ, हाँ जी। इसका मतलब है वो 5-6 साल के अंदर इतना ऊपर आ गया, इतना ऊपर आ गया। तो आप वो क्या तबरकात खाते थे उस पे? सरकार नाम सन के दम दम और शाम शाम तलवार जो बीबी शान की चादर जला देने चली थी, वो भी सरकार के पास पेश है। और जो कदम गए ना वो होलो ले ऊपर आ रहे हैं, वो जो तबरकात है वो यहाँ पे हैं कहीं पे? सरकार वो है सी, वो तीस रजब को दिखाते हैं आगे पीछे, तीस रजब को दिखाते हैं। तीस रजब को इनके मेला लगता होगा, तीस रजब को सुबह का सही सही जो कदम गए ना वो सारे ऊपर आ रहे हैं। अच्छा शुक्रिया। कदम मुबारक है, ये जंग किला खैबर में हजरत मौलाना मुश्ताक खुदा शेर खुदा आप सही ने तलवार का बात किया, अल्लाहू अकबर का नारा बुलंद किया, तो आप शहनशाह साईं का जाओ जलाल और गुस्सा इतना था, साईं ने पत्थर को पैर को तो पत्थर पानी के बन गया, दमोम हो गए। ये 700 साल पहले हजरत मखदूम जहाँ ने जहाँ गश्त रहमतुल्लाह सरकार को तोहफे में मिला था, मदीने शरीफ से साईं अपने अमरा उशरी में ले गए थे ये कदम शरीफ। कितने अर्से से यहाँ पे? 700 साल। ये क्या है कि वो कहते हैं ऊपर आता है तो एक दूसरे के लिए बराबर आते हैं, ये बुजुर्गों की रिवायत है, ये कहते हैं जब हम ध्वज में आते थे हमारी बाजू नीचे तक चल जाती थी, कहते हैं आप ऊपर एक रोज हो रहा है जब एक कंप्लीट हो गया था कहमत आती थी, ये बुजुर्गों की एक रिवायत है, ये कहते हैं ये जो गंदम की धानों की तरह साल में ऊपर पड़ता है, ये हजरत मखदूम जाने जहाँ कहते हैं मतलब सरकार ने दीवार के ऊपर सवारी की, अंदर से सांप निकला, सैन्य सांप की गर्दन में हैंडल कर चाबू बनाया, दीवार को मारते गए, चार माह दीवार ओछे चाबू छा, वो दीवार ओछरी में चल गई थी जो अभी इस वक्त मखदूम जाने सैन के दरबार शरीफ इस दरबार के अंदर मौजूद है। जगह पे आया हूँ जहाँ पे 500 दरिया मिलते हैं और जाके जाके ट्रैफिक में कन्वर्ट हो जाता है, तो सारे दरिया वहाँ से मिलते हैं, यहाँ पे जमा हुआ हुआ पानी और आई गेस यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है। ये ज़िला भावलपुर वाली साइड पे है और उसके अंदर ही ये एक पॉइंट है, ये दोनों साइड आप देख रहे हैं, यहाँ पे खुश्क इस वक्त हुआ हुआ है सारा सीन। तो काफ़ी अच्छी जगह है, मतलब न्यू जगह है मेरे लिए, नया एक्सपीरियंस है, और इसके बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ की जो मछली है बहुत फेमस है, पूरे पाकिस्तान में इसकी मछली फेमस है क्योंकि यहाँ से ये फ्रेश मछली पकड़ते हैं दरियाओं से, और सारे का सारा डल। ये तकरीबन आप अलीपुर के वाले वो उछरी वाले अंडर को उछरी वाली साइड से अगर आप आते हैं मोटरवे से, तो यहाँ तकरीबन आने में आपको 10-15 मिनट लगेंगे, पिकनिक पॉइंट अच्छा है। भैया ने क्या लगाते हैं कांटे पे? मछली की आंदरा। की होंगी मछली? मछली की आंदरा, मछली की आंदरा होंगी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो यहाँ किन्ने 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 दरिया मिलते हैं? इतने इतने पाँच दरिया मिलते हैं। अच्छा सिंध, सतलुज, सतलुज अभी चिनाब जेलम सतलुज तक गया। अच्छा अच्छा, सिंध तले हुआ सात दरिया तले। इतने वड्डी मछली होंगी या छोटी? वड्डी मछली होंगी, वड्डी मछली होंगी इतने।